आज हम ब्राउन पेपर पर शर्ट कॉलर की कटिंग करना सीखेंगे। आप शर्ट कॉलर कटिंग करने के लिए पेस्टिंग या बुकरम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ब्राउन पेपर पर कट करना सिखा रही हूँ। आपको इसका सिर्फ सीखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बनाने के लिए आप पेस्टिंग का ही प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमने ये ब्राउन पेपर लिया है। ये ब्राउन पेपर की हमने ये लेंथ ली है और ये चौड़ाई ली है, इतना ही लेंथ और चौड़ाई। ये लेंथ आप जो है जो कपड़े पर कट करेंगे तो गले की चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखेंगे। मान लीजिए हमारा जो नेक है वो है 16 इंच, तो आपको 18 इंच तक की ये आपको जो है लेंथ रखनी है, और जो चौड़ाई रखनी है वो चौड़ाई आप अपनी कितना चौड़ा आप कॉलर बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से रखेंगे। तो उसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है। ये फोल्ड करने के बाद यहाँ पर नेक जितनी भी होती है, मान लीजिए यहाँ पर नेक है हमारी 16 इंच, तो 8 इंच पर निशान लगाना है। डिपेंड करता है कि नेक की गोलाई कितनी है। 16 इंच है तो उसका हाफ करना है, हाफ आएगा हमारे यहाँ 8 इंच। आपको किसी भी साइड, या तो इस साइड या इस साइड, ये निशान लगाना है आपको 8 इंच पर। यहाँ 8 इंच पर निशान लगाना है। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद ये आपको सीधा मिला देना है ऊपर तक। ये देखिए, ये हमारे कॉलर की जो चौड़ाई है वो निकल करके आई 8 इंच। अब जो लंबाई रखनी है ये आपको, इसको हम लंबाई बोलते हैं कॉलर के जो चौड़ा बनाते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, ये हमारी राउंड निकल करके आई 8 इंच। आप 1 इंच देखिए, शर्ट कॉलर में बैन जो लगती है यहां, वो अगर आप 1 इंच की रख रहे हैं तो यहां आप 2.25 इंच रखिए कॉलर में। आप 1.5 इंच रख रहे हैं तो 2.5 इंच, 2.75 इंच, इसकी जो आपने ये चौड़ाई रखनी है, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर कि आप कितना रखना चाहते हैं। यहां पर मैं आपको ये निशान लगा रही हूं और लगा करके दिखा रहे हैं। यहां पर 1.5 इंच पर ये मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया, 1.5 इंच पर ही यहां पर निशान लगाया। इन दोनों निशानों को सीधा मिलाना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है ये। ये देखिए, अब इसके बाद हम यहां पर, हमने यहां 1.5 इंच लिया है तो हम यहां पर 2.5 इंच रखेंगे। कम ज्यादा रख सकते हैं। यहां पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है और 2.5 इंच पर ही यहां पर निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को भी आपस में मिलाना है। ये ऐसे, ये देखिए, यहां पर मैंने 1.5 इंच रखा और यहां पर 2.5 इंच रखा। ये टोटल हमारा हुआ 4 इंच, यहां से यहां तक 4 इंच। ये वाली जो लेंथ है, ये जो चौड़ाई है हमारी यहां से यहां तक की, आप इसको कम ज्यादा रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते हैं। ये दोनों हमने निशान लगा लिए हैं। ये निशान लगाने के बाद ये वाली जो रेखा है, इस रेखा से ऊपर की तरफ जाना है हमें 0.25 इंच। ऊपर की तरफ 0.25 इंच जाना है तो आगे भी हमें 0.25 इंच जाना है। ऊपर की तरफ अगर 0.5 इंच जाएंगे तो आगे भी हमें यहां पर 0.5 इंच ही जाना है। ये ध्यान रखना है आपको। बस इस रेखा से मैं यहां पर 0.25 इंच ऊपर गई और ये निशान लगाया। ये देखिए, यहां पर ये 0.25 इंच है, 0.25 इंच पर यहां पर निशान लगाया। इस निशान से आगे की तरफ आना है और 0.25 इंच पर निशान लगा देना है। ये अगर 0.5 इंच ऊपर जाती तो 0.5 इंच ही आगे आना था, 0.25 इंच तो 0.25 इंच ही आगे आना है। 1 इंच तक भी आप यहां पर कॉर्नर बनाने के लिए जा सकते हैं। ये जो हम आगे और ऊपर आए हैं, ये कॉर्नर, कॉलर का जो कॉर्नर होता है वो बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, ये निशान हो गया। अब ही यहां पर आएंगे, यहां पर हमें यहां से ओपन साइड से, ये हमारी देखिए ओपन साइड है, ये फोल्ड साइड है, ओपन साइड से हम 0.25 इंच या 0.5 इंच यहां पर एक निशान लगाते हैं और यहां से 0.25 इंच पर निशान लगाते हैं। और हम इसकी शेप आप कोई भी दे सकते हैं। ये मैंने जैसे गोलाई की है हल्की सी,
आप इसको ये कॉर्नर पे, जैसे मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगी, ये देखिए आप ऐसे भी रख सकते हैं तिरछा, सीधा भी रख सकते हैं, शेप यहाँ पर कोई भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर गोलाई की है। अब ये जो ओपन साइड है नीचे की तरफ, ये देखिए ये ओपन साइड है, यहां से सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर ओपन साइड पे आना है और हल्की सी शेप देनी है ये यहाँ पर। अब ये जो निशान है हमारा, यहाँ पर हमें पौना इंच अंदर की तरफ आना है, यहां से यहां तक पौना इंच आना है, और ये वाला जो निशान हमने लगाया इससे हमें सीधा मिला देना है। ये देखिए ऐसे ये मिला दिया सीधा। ये सीधा मिलाने के बाद इस पॉइंट को उठाते हैं और इसको मिलाते हुए यहां पर ये जो हमारी 8 इंच है इसका हाफ करेंगे 4 इंच, 4 इंच तक यहां पर ला करके हल्की हल्की गोलाई करेंगे हम। ये देखिए ये इसके हाफ पे ला करके मिला देना, ये कॉलर की शेप हो गई है। ये हमारे सभी निशान लग चुके हैं, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये यहां से यहां तक हमारा नेक का हाफ 8 इंच, हमारा 16 इंच नेक की लेंथ थी तो हमने यहाँ पर फोल्ड किया, ये देखिए फोल्ड किया है तो हमने 8 इंच रखा। जब इसको ओपन करेंगे तो ये 16 इंच आपको निकल करके मिलेगी। और ये जो हमने विड्थ रखे है ये आप 1.5 की जगह 2 भी रख सकते हैं, 2.25 भी रख सकते हैं, यहाँ पर 3, 3.5, जितनी आप रखना चाहते हैं वहां पर रख सकते हैं। ये सभी निशान लग चुके हैं शर्ट कॉलर के, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप पेस्टिंग लेते हैं तो ये 8 इंच है, 8 इंच से 1 इंच 1.5 इंच ज्यादा ही लेना है, उतना ज्यादा जितनी आपको कॉलर की शेप करनी है। ये जैसे मैंने अभी ये निशान लगाया है, इससे एक्स्ट्रा जो ब्राउन पेपर ले रखा है आपको पेस्टिंग पे कट करते वक्त इतना ही एक्स्ट्रा कपड़ा ले, या कपड़े पर कटिंग करेंगे पेस्टिंग पर करेंगे तो इतना एक्स्ट्रा ही लेना है, वरना शेप नहीं हो पाएगी ये वाली। अब हम कटिंग करेंगे, अच्छे से पकड़ लेते हैं इन दोनों पीसों को। ये वाला जो मैंने निशान लगाया है, ये देखिए एक चीज इसमें और मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा स्ट्रेट है। अगर आप इसमें हल्की सी गोलाई लाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो निशान है इस निशान से 1 पॉइंट नीचे आना है और इसको 1 पॉइंट नीचे को यहाँ पर ला करके ये जो हमने शेप किए यहाँ ला के मिलाना है। अगर आपको शेप करनी है, हल्की गोलाई करनी है तो, स्ट्रेट रखना है तो नहीं। और यहाँ पर भी 1 पॉइंट की ये शेप करनी है। ये शेप करने के बाद हम कटिंग करेंगे, ये देखिए अच्छे से पकड़ना है इनको। और ये जो 1 पॉइंट हम नीचे की तरफ है इसको कट करना है, अगर सीधा नहीं रखना है तो। ये देखिए यहां पर ये जो शेप की है कॉलर की, पेस्टिंग को बिल्कुल मिला करके पकड़ना होता है। और ये यहां पर ये जो निशान हमने यहां लगाए हैं, इस निशान को और ये गोलाई हमने की है यहां पर, इस गोलाई को ये हमारा ऊपर का पीस कट चुका है। अब हमने इन दोनों को अलग करना है, ठीक है। ये जो हम 1 पॉइंट का हमने ये शेप की थी इसकी कटिंग करेंगे यहां पर, ये ऐसे। और 1 पॉइंट हम जो ऊपर की तरफ आए थे इसको यहां से 1 पॉइंट की कटिंग करेंगे। ये हल्की सी गले में गोलाई आ जाती है, इससे सुंदर लगता है हमारा जो कॉलर है बन करके। अब हमें इस लाइन को कट करना है। इस लाइन को कट करने के लिए भी आपको ध्यान देना है, अगर आपने यहाँ पर 1 पॉइंट डाउन किया है और यहां पर आप स्ट्रेट नहीं चाहते हैं, 1 पॉइंट यहां भी कम करना चाहते हैं तो ये इसको कट कर सकते हैं 1 पॉइंट आकर के, और नहीं करना तो आप इसको स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं। ये अब हम इसकी ये जो निशान लगाए हैं हमने ये बैन के, ये देखिए
ये ऐसे कट करके, और जब स्टिच होगी तो ये यहां पर ऐसे पेस्टिंग पर जब आप कट करेंगे तो ये पेस्टिंग पर आपको ध्यान रखना है, एक एक पीस कट करने हैं, और जब इसको कपड़े पर अटैच करोगे तो ये सेम दो पीस कपड़े के इससे कटते हैं और दो पीस कपड़े के यहां से कटते हैं। तो ये हमारे यहां से यहां तक जो हमने लेंथ रखी थी, ये यहां से यहां तक जितनी भी नेक होती है हमारी, यहां पर नेक 16 इंच है तो 16 का हाफ हमने 8 इंच लिया था, 15 होता तो हम यहां पर 7.5 लेते, और ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक हमारी जो नेक की विड्थ होती है 16 इंच है, 17 इंच है, ये देखिए हमारी 16 इंच एक्यूरेट है। तो ये हमारे शर्ट कॉलर की कटिंग कंप्लीट हुई।